Hi Archit. Hello sir, how are you? I'm doing good, thank you very much. All right, so welcome back. Welcome to Claptrap. Welcome to Archit Art Gallery. Okay, so man behind the art and your company has been satisfying a lot of connoisseurs like yes. me, art lovers. For the viewer, those who have recently joined us, unke liye hum chota sa introduction le lete hain company ka. Absolutely. Hello everyone, my name is Archit. I own the Archit Art Gallery. हम लोग 60 ईयर्स से ये बिजनेस कर रहे हैं. वी हैव टू लोकेशन, वन इन कीर्ति नगर और सेकंड इन पचकुनिया फर्नीचर मार्केट. यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. वी वर्क फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे, मंडे इज आवर ऑफ. ऑलराइट, एंड बिसाइड्स सेलिंग पेंटिंग्स, यू आर प्रोवाइडिंग जॉब्स टू लॉट ऑफ पीपल, दोज़ हू आर इन्वॉल्वड इन मेकिंग दीस काइंड ऑफ आर्ट्स. करेक्ट. इंडिया इज अ डिफिकल्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू आर्ट, बट slowly we all of us together unanimously we're making a joint effort to push little harder, right? So people, those who are involved in the art industry, they are also making money, like your company is playing, is contributing in quite a bit. Correct. So we work with like around 20 plus artists in India. We only work on Indian art, right? And most of them are students, some of them are experienced. Okay. But we always support emerging artists, right? So 20, when I say 20 are my full-time artists. Then there are freelancers, collaborators who come and, you know, give their art. All right. Those are countless. Like every season, everybody comes and give their arts. Most welcome. And let's begin the episode now. My favorite, boho art. Right. So this episode ke andar we'll majorly talk on the boho art. Right. Boho is a concept where all the travelers travel around the world, collect different form of art and design their interiors, places, their homes, their residence, their corporates. तो मैं आपको वो वाला आर्ट दिखाऊंगा जो मेरे पास है. ठीक है, ये थोड़ा सा एवरेज आर्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इनके कलर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं. करेक्ट. एंड नॉट नेसेसरली दे आर इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, समटाइम्स दे आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर. थोड़ा रॉनेस होता है, थोड़ा एजी होते हैं, थोड़ा क्वैकी भी लग सकते हैं लोगों को. ये बाकियों से आर्टिस्टिक काम ज्यादा होता है. राइट. चलिए अब हम पीसेस दिखाते हैं. श्योर. जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला जो आर्ट पीस है ये बोहो के अंदर आता है. राइट. इसके अंदर लाइन आर्ट का इतना फाइन काम हुआ है. Right, even the paper that we have used is also a very very thick quality of paper. The framing that we have used, वो भी काफी exclusive framing है. ये Italian frames हैं जो हम लोग use करते हैं. अच्छा. Multiple frames आते हैं, Indian frames हैं, कुछ Chinese frames हैं, कुछ Italian moldings आती हैं. ये मेरी Italian moldings हैं जो मैं इसके अंदर use कर रहा हूँ. This is one of the piece. Second piece अगर आप देखेंगे, इसी के adjacent में लगा हुआ. Right. जी. अगेन मैंने जैसे आपको बताया था, ये complete artistic काम होता है. मतलब these are not commercial art, these are not something which is रन इन द मिल वाला काम हो रहा है. आर्टिस्ट जो होता है अपने ही पूरे पूरे थॉट्स के साथ में लाइन आर्ट लाइंस को यूज करके ये आर्ट बनाया जाता है. इफ यू गो वेरी डिटेल्ड, देयर आर सो डिटेल्ड वर्क दैट वी हैव डन इन दोस आर्ट पीसेस. बिल्कुल. और इनका सबका जो इंटरप्रिटेशन है, हर ऑन लुकर का अपना एक खुद का इंटरप्रिटेशन होगा इसको. correct, जब भी आप इसको देखेंगे तो आप अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे, मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूंगा. जैसे मुझे लगता है इसे ह्यूमन बॉडी, इसे वर्ल्ड लाइफ, इसे सिटी लाइफ मिक्स विद दी लॉट ऑफ कॉलोनियल लाइफ, है ना, इसमें सिटी भी रिफ्लेक्ट करता है. राइट. चलिए ठीक है. इनके कलर पैलेट भी थोड़े डिफरेंट होते हैं. चलिए. फ्रेम्स कभी भी इनके बहुत ज्यादा लाउड और ब्लिंगी नहीं होते, दे आर लिटिल एजी एंड रफ. डिस्ट्रेस फिनिशिंग में ज्यादा होती है. राइट. बोहो का एक और फीचर होता है कि जिसमें डिस्ट्रेस होता है, केन है, विकर है, वुड है. राइट. हॉर्न्स वगैरह यूज होते हैं इनमें. अब इनका साइज बता दे, प्राइस बता दे. सर ये अप्रोक्सीमेटली 2:3 का रेशियो है. मतलब कम्प्लीटली एज टू एज अगर हम बात करें तो 28x40 इंच का साइज बढ़ता है. ठीक है. और इसका प्राइस मैंने बड़ा रीजनेबल 7500 रुपीज में रखा हुआ. ऑलराइट. चलिए, दो है, इसके अलावा कुछ और भी है ना हमारे पास? ये हमारे पास छोटे साइजेस में भी है. This one is again boho. Yes. Okay. Yes. तो color match कर सकते हैं blue से? हाँ, absolutely. जैसे आप blue के साथ में एक red का दो vertical को orientation use कर सकते हो. Right. कहीं आपका queen size का bed है, you have a smaller wall. Okay. आप इसको हटा के दिखा दीजिए, because this is our favorite part. अब जो हम देख रहे हैं सारे के सारे vertical form में. Right. ये horizontal है. ये वाला horizontal orientation में है. Okay. ये देखिए. Wow. थोड़ा सा reflection है light का भी. Can't help it, है ना? हाँ, ये पेपर का काम है, तो पेपर का काम जो है ना ऑलवेज ग्लास के साथ में फ्रेम किया जाता है जी. इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा. अगेन दिस इज अ वर्टिकल. अगर जैसे आपको कहीं दो पीस यूज करने हैं, यू कैन यूज ब्लू एंड रेड एज अ कॉम्बिनेशन टुगेदर. आजकल जो आप देख रहे हो घर बन रहे हैं मोल्डिंग्स के साथ बनते हैं. राइट. जो पूरी इटालियन मोल्डिंग्स बनती है, तो फ्रेंच स्टाइल हाउसेज है, उसके अंदर इफ यू वांट टू यूज लिटिल आर्टिस्टिक काम, यू कैन यूज बोथ ऑफ दीज टुगेदर. 28-40 इंच का साइज है ये. वर्टिकली ओरिएंटेशन के साथ आ सकते हैं. Right. मैं आपको और कलेक्शन दिखाता हूं. एंड दे आर द लार्ज साइज पीसेस. वेरी गुड. कैन आई सी दिस? आप इसको प्लीज एक बार मुझे दिखा दें.
थोड़ा आपको मेहनत करवा दी हमने. कोई ओके सो द बेस कलर इज ग्रीन एंड मोर लाइक एमरल्ड ग्रीन सो यू कैन एक्चुअली हैव अ कोऑर्डिनेशन. हालांकि बोहो में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन का ध्यान नहीं होता, बाकी इंटीरियर से आप रख सकते हैं इसको. चलिए इसी में ही एक और पीस है. इट्स मोर इन ब्लैक एंड व्हाइट. इसके कलर कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट नीली है जी. ये प्योर व्हाइट पेपर के ऊपर काम किया गया. लास्ट टाइम आई रिमेम्बर वी गॉट वन फ्रॉम यू. वो मेरे बेडरूम में है. दैट लुक्स स्टनिंगली ब्यूटीफुल. अब मुझे लग रहा है कि मतलब आई एम कंफ्यूज्ड नाउ. ये एक ऑरेंज में है ये भी. यस यस ओके डन. ये भी दिस इज अगेन अ बोहो. ये इसका आर्ट स्टाइल देखोगे अगर आप तो दिस इज अ लेडी हु इज जस्ट ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग हुक्का. राइट अगेन typical traits of a traveler. Yes. Right. Yes. Be it a man and a woman. I mean, they do not bias people on the basis of gender. Correct. Correct. So they basically are, if you see, agar aap dekhen bahut commonly, Archit, ek cheez hai sab mein, ki boho artists, they never distinguish or judge people or they don't create very clear mark between men and women. They Correct. Have a very neutral approach towards both Absolutely. The genders, right? Absolutely. Let's take out some smaller one now. Yes, for sure. This again is boho. Vertical yes. orientation yes. is vertical. Vertical orientation. All right. Prices are same for all of them. Yes. Okay. Now for the people, those who want to make a collage, collateral sort of we call it Correct. As basically Correct. Where you have multiple units hung upon a wall. Right. Especially when you see the wall size is a little small. Right. Right. And you don't want to actually make a very in the face look. Mm. Then you can go for this one. Okay. There are multiple colors used in this one. What is the size, Arshit? ये इसका size है 14x19 inch. Okay. This is one. Moving on to the next one now. This is two. Okay. But these are very rare pieces. Absolutely. ये इनके ना copy का काम नहीं है. ये मतलब for example if any of the piece got sold out, तो ऐसा नहीं है that you will you know message me and say कि मेरे को यार दोबारा ये वाला piece ला दो. तो ये थोड़ा सा artistic काम है. एक बार ये artist ने अपने thoughts के साथ कुछ बना दिया, तो वो मतलब वही one in the one pieces ही है. All right. Done. This again is this. इसमें कुछ black and white sketching है. The one which I showed you before वो colors के साथ था. But All right. this is थोड़ा सा हमने अपनी रिकमेंडेशन के साथ कि कलर के साथ कौन सी मोल्डिंग अच्छी लग रही है तो वैसे फ्रेमिंग करी है. ब्लैक एंड व्हाइट के साथ कैसी फ्रेमिंग अच्छी लग रही है तो हमने वैसी फ्रेमिंग करी है. राइट. आई नो दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. माउंटिंग भी उसी हिसाब से आपने की है. करेक्ट. फॉर एग्जांपल ब्लैक के साथ ब्लैक. करेक्ट. राइट. देयर आर फ्यू मोर. यस देयर आर फ्यू मोर. अब मैं आपको कुछ ना इंडियन बोहो दिखाता हूं स्टाइल. इंडियन बोहो. ओके ओके. ये राजस्थान का काम है. उदयपुर में भी मिलता है, किशनगढ़ में भी मिलता है, जयपुर में भी मिलता है. ओके. तो आई travel a lot और वहां से मैंने काम देखा, अच्छा लग रहा था. Then I thought, you know, मुझे ये category डालनी चाहिए. Right. ये tiles के ऊपर drawing हो रखी है. Okay. ये these are original tiles. अगर आप किसी पे भी थोड़ा सा zoom करोगे, I guess ये crystallization है. तो crystals हैं उसमें. Yes. Okay. It's a pure marble tile. Right. उस tile के ऊपर drawings होती हैं और फिर वो मैं tile खरीदता हूँ और framing में अपने ही thoughts के साथ, creativity के साथ उसकी painting कराता हूँ. आजकल मैं तो ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर्स काफी प्ले अराउंड और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं घरों के साथ. जी. फर्नीचर देखोगे आप पूरा मॉडर्न. पूरा मॉडर्न. वॉल्स देखोगे पूरी इंडियन. राइट. राइट. दे कंप्लीट क्रिएट अ कंप्लीट फ्यूजन अराउंड द हाउस. बिल्कुल. कि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मोनोटोनस लगे. राइट. कि घर भी पूरा का पूरा मॉडर्न, वॉल्स भी पूरे के पूरे मॉडर्न. ओके. एक और काम मैं आपको दिखाता हूँ, ये छत्तीसगढ़ का काम है. अच्छा. इट्स अ वेरी वेरी वेल नोन आर्ट. इसको बस्तर आर्ट बोला जाता है. राइट. इसके अंदर ब्रास का काम हुआ है. अगेन आई गो देयर बाय डायरेक्ट ब्रास फ्रॉम देयर. ओके. ब्रास वाला जो अंदर के आर्टिफैक्ट है और फिर उसके बाद फ्रेमिंग हम अपनी करते हैं. अच्छा. Right. बड़ा ही रीजनेबल में. जो आप सबसे छोटा वाला साइज देख रहे हैं ये 500 rupees, ये सबसे बड़ा वाला देख रहे हैं 1400 rupees. सो यू कैन बाय वन. यू कैन यूजुअली आई रिकमेंड बाय मोर लाइक अ सेट बिकॉज ये कोलाज की तरह लगेगा, थोड़ी स्पेस ज्यादा कवर करता है. राइट. तो रादर देन बाइंग वन बिग पेंटिंग इफ यू हैव अ लेसर बजट, ये मतलब आप भी लगा लो 500 पर पीस के हिसाब से यू कैन मेड मल्टीपल कोलाजेस. राइट. एंड बड़े रीजनेबल वे में अपना वॉल डेकोर कर सकते हैं. वन सिंगल पीस लुक्स लिटिल आइसोलेटेड आई गेस. सो यू शुड हैव एटलीस्ट 4 ऑफ देम, 3 ऑफ देम, 2 ऑफ देम. एब्सोल्युटली. डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वॉल. एंड हाउ मच इज दिस फॉर द स्टाइल आर्ट? द स्टाइल आर्ट इज 1500 रुपीस ईच. यस. I want to pan my camera to you. It is jewelry art. The jewelry, this it necklace is 15? Yes, 1500 rupees. The bigger one. And the bigger one is 2500 rupees. Wow, that's nice. Very cost effective. Yes. This has a resemblance of that Tanjore. Correct. Tanjore work. Tanjore work. Okay. And we'll continue today. This is actually the Bastar art, but again can be used in?
Okay, so that's all. You can create a boho scheme of your own. You can mix a lot of other elements as well if you want to. But we have focused mainly on the things that we believe belonging to the boho pattern. Right? This is for the people like you and me, those who are travelers, quirky, creative and artistic. Absolutely. Right? Thank you very much. We'll go to the next episode now. Yes.